नमस्कार, आप सभी का स्वागत है प्राइम टीवी पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं नितिन कुमार। उत्तर प्रदेश सरकार के कल 4.5 साल पूरे हो गए। इस 4.5 साल में योगी सरकार ने क्या किया? 54 महीने में सरकार ने कितना विकास, कितना क्राइम कंट्रोल, कितना बदलाव हुआ, इसका लेखा जोखा खुद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने मीडिया और जनता के सामने रखा। इसके साथ ही कल से ही उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं बीजेपी ने 22 का जो रोड मैप है उनका, उसकी तैयारियां या उसका लेखा जोखा या फिर उसका रोड मैप ये जनता को बता दिया और विपक्ष को भी बता दिया। योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में कहा कि हमारी सरकार ने जो काम किया वो पूर्व की किसी भी सरकार ने नहीं किया। हमने माफियाओं पर अंकुश लगाया, हमने गरीबों को आवास दिलाए, हमने किसानों को रोजगार दिया, उनको कर्ज मुहैया कराया, हमने जो उनकी फसलें हैं उनका सही तरीके से उसकी खरीदारी की और सही समय पर उनको उसका भुगतान तक पहुंचाया। इस तरह की बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही और इससे साफ साबित होता है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार आने वाले 22 के चुनाव में जनता के बीच अब इन्हीं बातों को लेकर जाएगी और कहीं ना कहीं विकास की जो बयार उनकी तरफ से बहाई गई है, जैसा कि वो सब कहते आए हैं, इस बयार में कहीं ना कहीं जनता का वोट भी खींचने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बयान खत्म हुआ, उसके बाद ही विपक्षी दलों ने सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया। सबसे पहले अखिलेश यादव, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ट्वीट करके कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिन वायदों को, जिन बातों को गिना रहे हैं, दरअसल वो सारे काम सपा सरकार में किए गए थे और बीजेपी सिर्फ झूठ की सरकार है, झूठ का फूल है। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि बीजेपी का विकास महज विज्ञापनों में ही दिखता है। प्रियंका गांधी, जो उत्तर प्रदेश में सक्रिय हो गई हैं, कांग्रेस को मजबूत कर रही हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया और कहा कि उत्तर प्रदेश किसी और काम में भले ना नंबर हो, लेकिन महिला अपराध में नंबर वन हो गया है, बेरोजगारी में नंबर वन हो गया है, किसान परेशान है, बिजली की दरें बढ़ रही हैं, लेकिन सरकार कुछ नहीं सोच रही है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जब उत्तर प्रदेश सरकार ने इतना कुछ कर दिया, इतना विकास कर दिया, इतने जो खोखले दावे थे उन खोखले दावों पर अंकुश लगाते हुए ये कह दिया कि हमने जो काम किया है वो बीती सरकारों ने नहीं किया, ना वो कर सकती थी और ना वो करती, तो आखिर विपक्ष को समस्या क्या हो रही है और आने वाले दिनों में अब विपक्ष की क्या रणनीति होगी? क्योंकि सरकार ने तो अपनी रणनीति बता दी है कि वो किन बातों को लेकर, किस संकल्प पत्र को लेकर जनता के बीच में जाएगी, कौन कौन से काम गिनाएगी, लेकिन अब विपक्ष के सामने समस्या बड़ी है और विपक्ष को सरकार को भी घेरना है, सरकार की कमियों को भी पकड़ना है और जनता के बीच भी जाना है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद हम जुड़ते हैं। योगी सरकार के 4.5 साल पूरे हो गए। बीजेपी के हिसाब से ये 4.5 साल बेमिसाल, लाजवाब, शानदार रहे हैं, लेकिन अगर विपक्ष के चश्मे से देखें तो इन 4.5 साल में जनता बेहाल, बेरोजगार और विकास के लिए बेकरार रही है। लेकिन मायने ये नहीं रखता है कि सरकार का क्या सोचना है या फिर विपक्ष का क्या सोचना है, बल्कि जनता किस तरह से इन 4.5 साल को देखती है ये मायने रखता है। और जनता की राय पूरी तरह से सामने आने में लगभग अभी 5 महीने का समय बचा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 4.5 साल पूरे होने पर जमकर अपनी उपलब्धियां गिनाई। अयोध्या में बहुप्रतीक्षित राम मंदिर, जिलों का नामकरण, कानून व्यवस्था, सुशासन, गरीबों के लिए आवास, इज डूइंग बिजनेस में यूपी की दूसरी रैंक, किसानों की खुशहाली, अपराधियों की काली संपत्ति पर शिकंजा, बड़ी मात्रा में रोजगार, रोजगार में पारदर्शिता, दंगों पर रोक, चीनी मिलों को अनुदान, गेहूं खरीद से लेकर हाईवे, सड़कें, पुल, मेट्रो तक सारी उपलब्धियां उंगलियों पर गिना दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वर्ष 2022 के चुनाव में 350 से ज्यादा सीटें जीतकर भाजपा पुनः सत्ता में आएगी। लेकिन ये विपक्ष फिर भी सरकार पर, उसके कामों पर सवाल खड़ा कर रहा है। वैसे भी विपक्ष का काम सवाल करना होता है, लेकिन क्या वो सवाल ठीक हैं जो विकास कार्यों में अवरोध पैदा करें? मेरे हिसाब से नहीं।
सरकार के हिसाब से भी नहीं और विपक्ष के हिसाब से भी नहीं, तो फिर क्यों विपक्ष ऐसे सवाल खड़े कर रहा है कि 4.5 साल में सिर्फ विकास के दावे हुए? क्यों विपक्ष ऐसे सवाल खड़े कर रहा है कि रोजगार तो दूर बड़े स्तर पर लोग बेरोजगार हो गए? क्यों विपक्ष ऐसे सवाल खड़े कर रहा है कि कोरोना के दौरान व्यवस्था की धज्जियां उड़ गईं? क्यों विपक्ष ऐसे सवाल खड़े कर रहा है कि किसानों के साथ सरकार ने धोखा किया है? क्यों विपक्ष ऐसे सवाल खड़े कर रहा है कि सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हुई हैं, प्रदेश में अपराध नहीं घटा है? जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है 4.5 साल से यहाँ पे चोरी, डकैती, हत्या, लूट मार, बलात्कार, अपहरण तेजी से बढ़ा है और महिलाओं के अत्याचार में तो उत्तर प्रदेश नंबर 1, कुपोषण में उत्तर प्रदेश नंबर 1, बेरोजगारी में उत्तर प्रदेश नंबर 1 और यहाँ जहरीली शराब पीने से लोगों की मौतें होती रही। कोविड काल में लोग ऑक्सीजन समय से नहीं मिलने पे तड़प तड़प के मर गए, परिवार के परिवार बर्बाद हो गए, बच्चों की लगातार मौतें हो रही है, माँ की गोदें सूनी हो रही है और सरकार को चिंता नहीं। किसान धरने पे बैठा है, किसान के धरने पे 700 किसानों की मौतें हो गई, किसान के लिए सरकार सोचने को तैयार नहीं। कमाल है, ये कैसी सरकार है जो 4.5 साल में उत्तर प्रदेश को विनाश की तरफ लेके गई है और जब यहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उत्तर प्रदेश विकास की तरफ जा रहा। बड़ा सवाल ये है कि सरकार जिन जिन कामों पर अपनी उपलब्धियां गिना रही है, विपक्ष उन्हीं उन्हीं कामों पर सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। या तो सरकार झूठी है या विपक्ष झूठा है, या फैसला जनता करेगी, लेकिन सच सामने आना उतना ही जरूरी है जितना कोरोना को हराने के लिए 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी के साथ वैक्सीन की दोनों डोज लेना। पिछली सरकारों से अगर योगी सरकार की तुलना की जाए तो उन बाहुबलियों पर कार्रवाई हुई जिन पर पहले सरकारें कार्रवाई करने से कतराती नजर आती थी। वैक्सीनेशन की बात की जाए तो जिस तरह से रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाए गए वो अपने आप में काबिले तारीफ है। रोजगार के मामले में सरकार का काम खुद उसकी जुबानी सामने आता है, लेकिन छात्रों का प्रदर्शन और सोशल मीडिया पर छात्रों के सवाल सरकार की बातों पर सवाल खड़े करते हैं। वहीं कानून व्यवस्था के मामले में जग जाहिर है कि जिस तरह से ताबड़तोड़ एनकाउंटर अपराधियों के किए गए वो पहले देखने को नहीं मिले। लेकिन इस पर विपक्ष ये सवाल खड़े करता है कि फिर तो कोर्ट का काम ही खत्म हो जाएगा जब सरकार ऑन द स्पॉट फैसला करेगी। खैर, किसानों के मामले में तो बताने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि किसानों का मुद्दा मुद्दा है या नहीं, और है तो किस स्तर का है, राष्ट्रीय है, प्रादेशिक है, अंतर्राष्ट्रीय है या फिर क्षेत्रीय है, ये बता पाना मुश्किल है। लेकिन कोरोना काल में जिस तरह की तस्वीरें सामने आई थी वो सवाल जरूर खड़े करती हैं कि क्या ऑक्सीजन की कमी थी कि नहीं, क्या अस्पतालों में व्यवस्था लचर थी कि नहीं, क्या दवाओं की कमी थी कि नहीं, क्या शवों को जलाने की जगह कम थी कि नहीं। ये सवाल कहीं ना कहीं सरकार के दावों पर प्रश्न चिन्ह जरूर खड़ा करते हैं। हम तो यही कहेंगे कि इन 4.5 सालों में राज्य की व्यवस्था बेमिसाल रही या बदहाल, ये जनता ही तय करेगी, क्योंकि सच न पक्ष बताएगा न विपक्ष। इसी पर किसी ने क्या खूब लिखा है, मेरी बातों से जो जाहिर है छिपाएं कैसे, मेरी बातों से जो जाहिर है छिपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे। अजय सिन्हा की रिपोर्ट, प्राइम टीवी।
आज के इस मुद्दे पर हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं जो अलग अलग पार्टियों से हैं और अलग अलग तरह से अपने पक्ष को रखेंगे। अश्विनी शाही हैं, बीजेपी से जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं और वो पार्टी का पक्ष रखेंगे। इसके अलावा अरुण राजभर हैं, एसबीएसपी के महासचिव हैं, राष्ट्रीय महासचिव, वो भी जुड़े हुए हैं, वो अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे। अरविंद यादव प्रगतिशील समाज पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और विजय दुबे जी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव बिल्कुल मुहाने पर है और जिस तरह से 54 महीने का जो लेखा जोखा था कल उत्तर प्रदेश की सरकार ने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता के सामने रखा, मीडिया के सामने रखा और ये बताया कि हमने जो काम कर दिया वो किसी ने नहीं किया, ना कोई कर सकता था। माफियाओं पर लगाम लगाने की बात हो, किसानों की बात हो, रोजगार की बात हो या फिर बड़े निवेश की बात हो, लगातार उत्तर प्रदेश में कोशिशें यही रही हैं कि अपराध पर कंट्रोल किया जाए और फॉरेंसिक को लेकर जिस तरह से उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सिटीज भी बनाई जा रही हैं उस पर भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रकाश डाला। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि उन्होंने कहीं ना कहीं धर्म के ऊपर भी बातें कहीं कि पहले की सरकारें जो थी वो कहीं ना कहीं धर्म को लेकर कुछ नहीं बोलती थी, चुप रहती थी, मौन रहती थी, लेकिन अब ये धर्म की राजनीति करने लगे हैं क्योंकि उनको राम मंदिर से समस्या हो रही है। तो आज हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे जानने की कि अब कौन कौन से वो मुद्दे हैं जिनको लेकर बीजेपी जनता के बीच जाएगी और विपक्ष उन्हें कैसे घेरेगा। अश्विनी शाही के पास में सबसे पहले चलूंगा। अश्विनी जी, आप लोगों ने कल 54 महीने का लेखा जोखा अपना जो था वो बता दिया है, बताने के बाद ऐसा क्या हुआ कि विपक्षियों को समस्या होने लग गई? सबने कह दिया कि झूठ का फूल है, किसी ने कह दिया कि महिला अपराध में, बेरोजगारी में नंबर वन है, महंगाई में नंबर वन है, कोई कह रहा है कि विज्ञापनों में आप खाली अपना काम दिखाते हैं, तो ये सारे बयान क्यों आए? और दूसरी चीज, जो जो बातें आप लोगों की तरफ से कल कही गई, जितना काम आप लोगों ने किया, क्या इन कामों को लेकर ही जनता के बीच जाएंगे या इसके अलावा भी 6 महीने का कुछ और रोड मैप आप लोगों ने तैयार किया हुआ है? नितिन जी, सबसे पहले कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो रोड मैप आपके सामने पेश किया था उस रोड मैप में बहुत कुछ कहानी है। पूरे 4.5 साल का उन्होंने विस्तृत लेखा जोखा आप लोगों के माध्यम से पूरे प्रदेश की 24 करोड़ जनता को बताया और कहानी वहीं से शुरू होती है, विपक्ष के पेट में दर्द होने की। विपक्षियों ने जिस तरीके से कर्मयोगी माननीय आदित्यनाथ जी ने एक एक चीज का सिलसिलेवार लेखा जोखा रखा, वो लेखा जोखा सुनते सुनते और सबने सुना बहुत ध्यान से, ये लोग जो भ्रम फैलाते हैं उस भ्रम को दूर करने का भी काम किया उन्होंने, कोई बिंदु नहीं छूटा नितिन जी, चाहे वो अपराध का हो, अपराध मुक्त उन्होंने पूरे प्रदेश को किया है ये सत्य है। अब इसके ऊपर कोई कहे कि अपराध बढ़ा है तो ये उसकी आंखों के ऊपर चढ़े चश्मे और आंखों में पड़े धूल की बात जी, आपके पुराने साथी रहे ओम प्रकाश राजभर जी, उन्होंने भी कल ट्वीट करके ये कह दिया कि जो जो बातें कही जा रही हैं सब खोखली हैं, सब फर्जी हैं। देखिए, ऐसा है, अरुण जी बैठे हैं, अरुण जी पार्टी के बहुत बड़े पदाधिकारी हैं और पार्टियां चल रही हैं इन लोगों की, हमारे पदाधिकारी हमारे साथ थे, हो सकता है आने वाले दिनों में हमारे साथ और भी पार्टियां जुड़े या हमारे साथ कई पार्टियां छोड़ के गई हैं, तो ये तो राजनीति है नितिन जी, कोई आएगा कोई जाएगा, लेकिन हमारे साथी रहे, अब उनको कुछ ना कुछ विरोध तो करना ही करना है, उनको कहना ही है, वो खुद ही बहुत साहस में पड़े हुए हैं उन लोगों के खिलाफ। देखिए किस तरीके के स्टिंग चल रहे हैं, किस तरीके का क्या चल रहा है, अभी कई छोटे दलों को मिला के वो लोग अपनी ही जमीन तलाशने पर लगे हुए हैं, तो उनको तो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना ही करना है, तो चाहे आप कुछ भी हो, जिस दिन हमारे साथ वो थे उस दिन हमारी अच्छा ही कर रहे थे। हम लोगों ने तो इन लोगों को इतना वो किया कि भाई राजभर जी की पार्टी है, बहुत बेहतर पार्टी, हमारे साथ चले, लेकिन भाई इनको कुछ नहीं समझ में आया तो ये हमसे अलग हुए, छोटे दलों को आज कर रहे हैं। लोकतंत्र में यही खूबसूरती है कि कल हमारे साथ कोई था, आज हमारे सामने कोई खड़ा है, तो किसी भी दल का अधिकार है सख्त विरोध करने का, कहीं भी कोई उसमें हमको आरोप नहीं लगाना है किसी के ऊपर, स्वस्थ विरोध का सबको अधिकार है और जो लोग स्वस्थ विरोध कर रहे हैं वो तो लेकिन तथ्यों के साथ आए, मेरा ये कहना नहीं कि तथ्यों के साथ आए। अब हमारे साथ कोई कहते हैं कोई उन्होंने हेल्थ में कोई काम नहीं किया, हमने सब बनाया और सब हमने किया, कुछ नहीं किया प्रभु। 12 मेडिकल कॉलेज हम लोग चिल्लाकर कहते हैं और आज प्रदेश में 48 मेडिकल कॉलेज है, उसमें सिर्फ, देखिए ये लोग एक और तथ्य देते हैं उसको भी मैं क्लियर कर देता हूं, इन्होंने कहा कि हमारे सिविल पुराने सिविल अस्पताल को इन्होंने उच्चीकृत किया, बात किया है, मैं अभी भी कह रहा हूं, मेरे पास उसकी लिस्ट है नितिन जी, जिसमें अयोध्या, बहराइच, बस्ती, फिरोजाबाद और शाहजहांपुर, ये सिविल अस्पताल को हमने उच्चीकृत किया है, लेकिन सुल्तानपुर, चंदौली, पीलीभीत, बिजनौर, कुशीनगर, कौशाम्बी, लखीमपुर, सोनभद्र, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, औरैया, कानपुर देहात, गोंडा, ललितपुर,
देवरिया, एटा, फतेहपुर, गाजीपुर, हरदोई, जौनपुर, मिर्जापुर, प्रतापगढ़ और सिद्धार्थनगर में कौन से मेडिकल कॉलेज थे, जरा ये लोग भी जान लें। अच्छा। आज वो मेडिकल कॉलेज किसकी देन है? भारतीय जनता पार्टी की, कर्म योगी आदित्यनाथ की सरकार की देन है वो। अच्छा। उसके बाद हम लोगों ने, मैं जवाब ले लेता हूँ, जैसा की अभी आपने कहा है सुभाषपा के लिए, तो अरुण राजभर के पास चलता हूँ। अरुण, क्या समस्या है भाई आप लोगों को? अभी जैसा कि अश्विनी जी कह रहे थे, आप लोग साथ में थे लेकिन अब अपनी जमीन आप लोग तलाश रहे हैं, और इसी वजह से आप लोग, जिस तरह से कल सरकार ने अपना काम गिनाया है पूरे 54 महीने का, उस पर भी आप लोग विरोध कर रहे हैं, आप लोग अपनी जमीन तलाश रहे हैं। देखिए, माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो काम गिनाए हैं जी, वो जो माननीय उनके अधिकारी, जो उनके अगल बगल जो 400-500 रहते हैं, जो उन्होंने पेपर में लिख करके थमा दिया और माननीय योगी जी उसी को पढ़ दिए, उनको तो खुद ही नहीं पता है कि जो पेपर में लिखा है वो विकास धरातल पर उतरा है कि नहीं उतरा है, वो उसको देख नहीं पाए। हकीकत आपको पता है कि ये सरकार विज्ञापन में विकास दिखा रही थी। अच्छा। ये सरकार टेलीविजन पर विकास दिखा रही थी, उसका पोल खुद ही वो खोल दिए कि बंगाल का विकास उत्तर प्रदेश में दिखाया जा रहा है, अमेरिका का विकास उत्तर प्रदेश में दिखाया जा रहा है। छोटी मोटी गलतियां हो जाती है भाई। नहीं नहीं, अरे क्या बात कर रहे हैं, ये छोटी मोटी और आपको अगर समय देंगे तो, ये पूर्वांचल एक्सप्रेस का बड़ा दावा कर रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करने जा रहे हैं। उद्घाटन क्या करने जा रहा है, उससे पहले ही दरार पड़ गई। एक बरसात में लखनऊ की पोल खोल दिया कि थोड़े भर पानी माननीय योगी आदित्यनाथ जी के पड़ोसी में जो सिविल अस्पताल का गेट है पूरा जगमग हो गया। लखनऊ का कोई ऐसा सड़क नहीं था जो पानी से भरा हुआ ना हो। अच्छा, ये योगी भी बहुत अच्छा किया। ये जो मेडिकल कॉलेज की बात अभी अश्विनी शाही कह रहे थे, इस पर भी बात किया करिए कभी आप लोग। देखिए क्या है नीतीश जी, कि योगी जी ने जो मेडिकल कॉलेज का बात किया, शिलान्यास तो कर दिया, अभी तक वहाँ ईटा तक नहीं रखा गया है। ये शिलान्यास करते हैं, भूमि पूजन करते हैं, लेकिन काम कुछ नहीं करते हैं। हकीकत अच्छा। क्या है, जाकर देख लीजिए जहाँ जहाँ शिलान्यास किया है इन्होंने, काम कहाँ गिनाया है इन्होंने। अब हकीकत क्या है कि 2017 में इन्होंने कहा 70 लाख नौजवानों को हम रोजगार देंगे। आप बताइए कि 70 लाख नौजवानों में 4.5 लाख इन्होंने गिनाया है अब तक। 4.5 साल में 70 लाख लोगों को देने की बात हुई और 4.5 लाख लोगों को गिनाने लगे। अब मैं इनसे कह रहा हूँ कि 4.5 लाख लोगों का रिकॉर्ड, नाम, जिला और उनका मोबाइल नंबर सार्वजनिक कर दे, मुझे पता हो जाएगा किस जातियों को इन्हें नौकरी दिया है। हकीकत जनता के सामने, और जनता काफी जांच ली है, 2022 में इनको नंबर देने की तैयारी कर चुकी है। हकीकत क्या है, 2017 में जो वादा इन्होंने अपने घोषणा पत्र, संकल्प पत्र में दिया है, अब देखिए क्या है, स्नातकोत्तर, सुनिए, स्नातकोत्तर तक लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा देने की बात किया था, बीए तक, अब लड़कों को 50% जो पाएगा उसको बीए तक निःशुल्क शिक्षा देने की बात किया। आप बताइए कि क्या यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश में लागू हो पाया? नहीं हो पाया, क्योंकि सरकार शिक्षा पर कोई काम नहीं कर पाई, स्वास्थ्य पर कोई काम नहीं कर पाई। आप देखिए ना, स्वास्थ्य पर कोई काम नहीं कर पाया, बिजली का बिल बढ़ा दिया, एक मीटर बढ़ा दिया, जैसे तेल का रेट बढ़ा रहे हैं, सरसों का तेल का रेट बढ़ा रहे हैं, गैस सिलेंडर का रेट बढ़ा रहे हैं, दूध का रेट बढ़ा रहे हैं, वैसे ही यह विकास उसी तरीके से कर रहे हैं। भ्रष्टाचार नहीं होगी या भाजपा सरकार, आप देखिए थाने पर जाइए, 5,000 रुपया जो 500 वाला काम होता था, आज सरकार में 10,000 भी देने पर काम नहीं हो रहा है। अच्छा। आप बताइए कि भ्रष्टाचार के खिलाफ काम होकर करने की बात किए थे, और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कुंभ में हो गया। हम तो नहीं कह रहे हैं, सीएजी का रिपोर्ट कह रहा है कि मट्टी की धुलाई जो है मोटरसाइकिल से हुई है, साइकिल से हुई है। अब भ्रष्टाचार भाजपा वादा करके आई खत्म करने के लिए, भ्रष्टाचार का विकास कर दिया। आपके साथी अश्विनी जी को बात करके आई, रोजगार नहीं दे पाया। अरुण, आपके साथी अश्विनी जी को जवाब देना चाह रहे हैं जी, बताइए अश्विनी जी। देखिए नितिन जी, अभी अरुण जी हमारे देना है, जनता तो 5 साल, अरुण जी सुन लीजिए, अरुण भाई, अरुण भाई, उत्तर प्रदेश की जनता, जो नौजवान यहाँ लाठी खा रहे हैं, पिछड़े वर्गों को छात्रवृत्ति नहीं दे पाए, अरुण भाई जरा जवाब सुन लीजिए, समिति रिपोर्ट लागू करके नौकरी नहीं दे पाए, जातिवार जनगणना पिछड़ों की नहीं करा पाए, आप बताइए। अरुण भाई जवाब दे, जवाब दे लीजिए अरुण भाई, अरुण भाई, अरुण भाई जवाब दे देंगे कि हम इनसे क्या, हम जवाब लें, ये तो जवाब देना बोलेंगे, सुन तो लीजिए पहले, सुन लीजिए फिर मैं आता हूँ आपके। हाँ सुनाइए जी। अरुण जी, अभी भ्रष्टाचार की बात हमारे अरुण जी कह रहे थे, जो इनके मुंह से अच्छा नहीं लगता है। क्यों भाई? इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो विधानसभा क्षेत्र है जहूराबाद है, जहूराबाद में गांव है सिपाह, सिपाह से जो है इनके विधायक निधि का एक सड़क बनी
और चक जैनब तक वो गई कुछ मीटर 100 मीटर की सड़क की। माननीय विधायक जी के प्रतिनिधि ने उस सड़क को बनवाया किसी रोड, उनका नाम था रामजी राजभर। रामजी राजभर ने वो सड़क बनवाई, 6 महीने के बाद वो सड़क की जो स्थिति हुई, मैं आपको फोटो भेज दूंगा, अरुण जी का भी नंबर मेरे पास है, मैं भेज दूंगा इनको भी, शायद इनकी नजर ना गई हो, और नितिन जी आपको भी भेजूंगा, उस सड़क पर कितना भ्रष्टाचार किया गया था। अच्छा, माननीय विधायक जी अच्छा, के प्रतिनिधि के द्वारा ये भ्रष्टाचार इनको नहीं दिखता है जी। अरविंद भाई बैठे हैं, ये कह रहे हैं आप अपनी सड़क नहीं बनवा पाए, दूसरे काम गिराने लग गए। नहीं क्यों, देखिए जब मैंने अभी तो अच्छा, अभी कुछ कह रहे हैं, अरविंद जी का नंबर ही नहीं आया, सुनिए अभी तो मैं अरविंद भाई का जवाब दे रहा था। शाही साहब, मैं अरविंद जी से पहले सवाल ले लूं फिर आपके पास आ रहा हूँ। जी ठीक है, कि जो आपने राजभर जी के निधि और प्रतिनिधि की बात करने लगे उस पे मेरा जवाब था कि भाई सबने देखा है कि आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी अपने घर जाने के लिए सड़क खुद ही फेंकना पड़ा, तो कहां से आप 100 मीटर सड़क बनाने की बात करने लगे भाई, कहां से आप उनके आंकड़े जुटा लिए। जो व्यक्ति माननीय मंत्री गण रहते हुए और खुद सड़क बनाने के लिए परेशान होकर के खुद फावड़ा उठा लिए थे, आप उनके निधि प्रतिनिधि की बात कर रहे हैं। नितिन जी देखिए, मुझे लगता है कि अश्वनी जी जो बातें और आंकड़े गिना रहे हैं ये भी वही पर्चे की बात कर रहे हैं जिस पर्चे को कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने पढ़ा, और जहां तक आपका रिपोर्ट मैं देख रहा था ये सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी का संकल्प और मुद्दा केवल अब्बा जान पप्पा जान, हिंदू मुसलमान, अफगानिस्तान पाकिस्तान, इसी में सिमट के रह गए हैं। मैं तो कहता हूं कि 4.5 सालों में अगर उत्तर प्रदेश के 4 डिस्ट्रिक्ट को इन्होंने 4 लेन की नई सड़क कहीं बनाई हो तो ये बता दें, राजधानी लखनऊ में 4 नए बिल्डिंग बता दें, जैसे पुलिस मुख्यालय हो गया हो, UP 100 हो गया हो, कोई भी ऐसी 4 इमारतें गिना दो जिनको इन्होंने स्वयं बनाया हो, रोडवेज आप ले लीजिए। मैं तो दावे के साथ कह रहा हूँ जो ये मेडिकल कॉलेज गिना रहे हैं, अरुण जी सही कह रहे हैं, देवरिया का मैं रहने वाला हूं, मुझे पता है कि किस तरीके से सिविल हॉस्पिटल को मेडिकल में कर दिया गया, वो सबके सामने है। मैं तो कहता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जो गोरखपुर के रहने वाले हैं, मैं देवरिया का रहने वाला हूं, देवरिया के लिए जो रोड गई है गोरखपुर से 17 के पहले माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने बेलथरा बलिया जाने के लिए 4 लेन से कनेक्ट किया था, 17 की सरकार जाते जाते 70% उस रोड का कार्य हो गया था, 30% कार्य 4.5 सालों में नहीं पूरा हो पाया। अश्वनी जी भी वहीं के हैं, अश्वनी जी को भी पता है कि वो सड़क आज भी कार्य चल रहा है और 4.5 सालों में 30% लोग कार्य नहीं पूर्ण कर पाए। दूसरी बात आ जाइए, मैं कहता हूँ कि लखनऊ से हरदोई, लखनऊ से उन्नाव, लखनऊ से सीतापुर, लखनऊ से कानपुर, लखनऊ से रायबरेली, अमेठी, फैजाबाद, बहराइच, भिनगा, श्रावस्ती, कहीं भी अगर इन्होंने 4 जिलों को जोड़ा हो नई सड़क बना के तो ये बता दें। आ जाइए अब नाम बदलने पे, मैं कहता हूँ कि नाम आप बदल क्यों रहे हैं, 4 नए हॉस्पिटल बना दीजिए, 4 नए मेडिकल कॉलेज बनवा दीजिए, अपने नेताओं के, अपने महापुरुष जिनको मानते हैं उनके नाम पर रख दीजिए, कोई किसी को आपत्ति नहीं होगी, किसी भी विपक्ष को आपत्ति नहीं होगी। मैंने एक बार एक निजी चैनल के कार्यक्रम में कहा भी कि अगर आदरणीय कल्याण जी के नाम पे आपको एयरपोर्ट बनाना हो तो 4 नए एयरपोर्ट बनाइए और उसके नाम रख दीजिए, 4 नए मेडिकल कॉलेज बना के उसके नाम रख दीजिए। देखिए इन्होंने सच है, अगर ये काम किए होते तो केवल ये नहीं कहना पड़ता कि केंद्र सरकार की 44 योजनाओं में उत्तर प्रदेश अव्वल है, यही बात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि सबसे ज्यादा वैक्सीन मध्य प्रदेश, भारत में नंबर 1 मध्य प्रदेश, भारत में नंबर 1 उत्तर प्रदेश। कल जो बातें कही गई नितिन जी, हम देख रहे हैं पूरे भारत में देखी जा रही है, जहां जहां भाजपा की सरकार है केंद्र सरकार की इतनी योजनाओं में मध्य प्रदेश नंबर 1 हो जाती है, उत्तर प्रदेश भी नंबर 1 हो जाती है, सड़क के मामले में उत्तर प्रदेश भी नंबर 1 है, मध्य प्रदेश भी नंबर 1 है और हरियाणा भी नंबर 1 है। काम कर रहे हैं तब नंबर 1 है भाई, आप लोग तो काम नहीं करते थे। कौन सी रिपोर्ट आती है भाई, यहाँ भी रिकॉर्ड टूट जाता है वैक्सीन का, मध्य प्रदेश भी नंबर 1 हो जाता है उसी दिन, यहाँ भी पूरी होर्डिंग लगती है, शाही साहब बता रहे हैं, शाही साहब बता रहे हैं होर्डिंग लगती है, और बिहार में इनके माननीय मंत्रीगण भी लगाते हैं कि वैक्सीन में बिहार नंबर 1, कहाँ से आंकड़े लाते हो भाई इतने।
जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार वही होती है क्या? नहीं, अश्वनी जी, शाही साहब, अश्वनी जी सुन लीजिए नितिन जी, अश्वनी जी मैं कह तो रहा हूँ, चार नई बसों का इन्होंने फीता काटा, चार नई बस चलाई हुई इन्होंने, तो ये दावे के साथ बता दे, चार नई रोडवेज का बता रहे भाई, चार नई विद्यालय का बता दे, चार इंजीनियरिंग का, चार यूनिवर्सिटी भाई उन्होंने काम किया वो बताने जा रहे हैं जी, बताइए। देखिए अरविंद जी ने अभी इतना शानदार झूठ बोला, मैं तो अरविंद भाई झूठ आप बोल रहे हैं और राज बोल रहा हूँ तो मैं झूठ बोल रहा हूँ? सुन लीजिए, सुन लीजिए, नहीं आप बोलिए ना, मैं कह तो रहा हूँ चार को बस का नाम बताइए जिसको आपने उद्घाटन किया। आप धीरे रखिए ना, आप धीरे शांत हो जाए, थोड़ा सा मुंह बंद करें तो मैं। नहीं नहीं, आप बहुत प्रेम से गिनाइए, चार तो नई रोडवेज बनाया है क्या आपने? अरे आप सुनिए तो भाई, आप बताइए सर, बताइए, जवाब तो है नहीं। अरे बोल रहे हैं भाई, बोल रहे नितिन जी, नितिन जी इन्होंने अभी कहा इतना बड़ा झूठ बोला, इन्होंने कहा मैं भी देवरिया का हूँ और देवरिया में मेडिकल कॉलेज, जो जिला अस्पताल था उसको मेडिकल कॉलेज बनाया गया है। अरविंद जी, नितिन जी चलिए कार्यक्रम लगाते हैं, और मैं कहता हूँ अरुण भाई, हर गाँव कार्यक्रम क्या भाई, सबको पता है और देवरिया के लोग सुनेंगे ना तो सड़क का भी बखान हो जाएगी और मेडिकल कॉलेज का भी आपके राज खुल जाएगा। मेरा झूठ पकड़ा गया, जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज नहीं बनाए क्या? आप कह दीजिए कि नहीं बनाए, मैं पूछ रहा हूँ, आप कह दीजिए कि नहीं बनाए? अरे आप शांत रहेंगे, जिला महिला अस्पताल और जिला अस्पताल पुरुष क्या मेडिकल कॉलेज बना है कि नहीं बना, ये बता दीजिए। एकदम नहीं, सुनिए मेरी बात, अलग बिल्डिंग बनी है, अलग से बिल्डिंग बनी है सोनी जी, इतना आप लोग झूठ बोल रहे हैं, बोलने तो दीजिए, देखिए कह के नहीं, कितना झूठ बोल रहा है और दूसरे को झूठा बना रहे हैं, जवाब तो बोल रहे हैं, कहाँ झूठ बोल रहा, झूठ बोल रहा है, आप कह दीजिए कि नई बिल्डिंग हमने बनाया, बोलने तो दीजिए, आप कह दीजिए कि जिला अस्पताल से अलग बना है, बोलने तो दीजिए जी, बताए सर, बताए कोई पप्पा जान पे चुनाव लड़ेंगे, झूठ इनका नहीं चलेगा, अब्बा जान और पप्पा जान को याद आ रहा, जवाब तो लेने दीजिए, देखिए ऐसे नहीं एक एक करके सब जवाब, मैं तो कह रहा हूँ बताएं, अरविंद भाई, अरविंद भाई बोल लीजिए पूरा समय दीजिए, सुन लीजिए, अरे मैं आता हूं पहले बता दे कि हमें चुनाव पप्पा जान, पप्पा जान पे लड़ना है कि हमें चुनाव चार बसों का उद्घाटन किए हैं उस पे लड़ना है, तो बता रहे हैं, बता रहे हैं अरविंद भाई, बता रहे हैं उस पे लड़ना, अरविंद भाई बता रहे, बता दे, हां अरविंद भाई बता रहे हैं, अरविंद साहब बताइए, जो भी इन्होंने झूठ बोला है, देवरिया को, देवरिया के सिविल अस्पताल को इन्होंने कहा कि बना दिया गया मेडिकल कॉलेज, अरे भाई देवरिया जिले में सलेमपुर भी एक तहसील है, उस सलेमपुर तहसील में मेडिकल कॉलेज बनाना, वही का निवासी हूँ, कितने झूठ कह रहे हैं, तहसील में बना है, सलेमपुर तहसील में मेडिकल, कितने आप लोग झूठ बोलते हैं हमारा, अरे तो बना होगा तभी बता रहे हैं ना, नहीं नहीं आप आंकड़ा निकलवाइए ना, अरे आप कितने झूठ बोल रहे हैं, मतलब देवरिया आपको बहस हो रही है, आप मेडिकल कॉलेज बन रहा है, जिला महिला अस्पताल, जिला अस्पताल पुरुष आप ले गए सलेमपुर तहसील में, गजब झूठ बोलते हैं। अच्छा सड़क चालू हुई है क्या गोरखपुर से देवरिया बेलथरा वाली सड़क चालू हुई है जिसको माननीय श्री शिवपाल जी ने 70% अच्छा, आपकी बहस को, आपकी बहस को आप, मैं डिरेल करने जा रहा हूँ क्योंकि ये लोग मैं शांत करा रहा हूँ आप बोलिए बोलिए, एक एक करके बात करिए भाई, अरविंद भाई प्लीज जी बताइए, इन्हीं को सारा ज्ञान है, ना ना वो मैं शांत करा रहा हूँ, आप बोलिए सर, यार झूठ बोल रहे हैं, ना ना अरविंद भाई बोलिए नीचे भाई, अरविंद भाई मैं इनके बीच में बोला नहीं है, अरविंद जी बोलिए नीचे, आप झूठ, ना ना एक एक एक, अरे भाई बोलिए नीचे, उनको आप बोल रहे हैं, उनका पक्ष भी आना जरूरी है ना, सवाल दूसरे का जवाब दीजिए, अरविंद भाई मेडिकल को, अरे अरविंद भाई सलेमपुर के लोगों को, अरविंद भाई बोलिए, अरे जवाब ले लीजिए भाई, जनता मैं आता हूँ, अगले टर्न में आता हूँ आप लोग के पास इंटरप्ट करना बहुत जरूरी है, मैं चलूंगा, मैं आता हूँ सर, मैं आता हूँ, अश्विनी जी मैं आ रहा हूँ
मैं सेकंड टर्न में आ रहा हूं आप लोग के पास, मैं सेकंड टर्न में आ रहा हूं। विजय दुबे जी हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सर, कल प्रदेश सरकार ने जो उपलब्धियां गिनाई हैं ये कितनी सही हैं और क्या विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं बौखलाया हुआ है? देखिए नितिन जी, ऐसा होता है कि हर सरकार को जो कि सत्ता में होती है उसको क्रिटिसिज्म अपोजिशन की सुननी होती है जी। विपक्ष का भी ये काम है कि वो सरकार के किए हुए कामकाज, उनके कामों पे सवाल उठाए। यही तो डेमोक्रेसी है। अगर ये नहीं है तो डेमोक्रेसी कहाँ है? देखिए, डेमोक्रेसी की जो खूबसूरती है वो सत्ता पक्ष के काम पर सवाल करना। विपक्ष, मीडिया को अतर छोड़ दीजिए, मैं मीडिया को अलग कर रहा हूँ उससे। पहला काम है कि जो अपोजिशन पार्टीज हैं, जब बीजेपी अपोजिशन में होती थी तो बीजेपी भी सवाल उठाती थी जी। और अगर सवाल विपक्ष नहीं उठाएगा तो जो सरकार है वो एक तरफा चलेगी ना। तो आपको जवाब देना होता है, और जवाब किसको देना होता है? आप तो चुनावी मोड में जा रहे हैं हम लोग, मतलब स्टेट जो है, अब स्टेट जो है वो चुनावी इलेक्शन मोड में जा रहा है, वो चुनाव की ओर बढ़ रहा है। तो चुनाव में जो है वो पूरी तरह से जो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री के जो दावे हैं और दावों की जो सच्चाई है, इन सभी पे बात होगी। और वक्त यह है कि अपोजिशन जो सवाल उठा रहा है उसका सही तरीके से और सही प्लेटफॉर्म पे जवाब दिया जाए। देखिए, मुख्यमंत्री का अगर मैं रोज का रैंडम उठा लूं प्रोग्राम, तो मुख्यमंत्री कम से कम 2 से 3 शहरों में, आज भी वो 2 शहरों में मेरे हिसाब से, कल शाम को वो काशी में थे, फिर वो जौनपुर में थे और गाजीपुर में भी। तो मतलब ये हुआ कि मैंने इसके पहले जो भी हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री रहे हैं, अगर आप उनका मूवमेंट वॉच करिए, दिल्ली की जो भी गतिविधियां हैं, तो इतना अधिक दौड़ना जो है किसी मुख्यमंत्री को मैंने इस तरह से भागते हुए नहीं देखा। उन्होंने कल कहा भी कि हम बिना थके हुए काम कर रहे हैं। नहीं, वो देखिए, बहुत सारी चीजें हम, आप और जनता सब देखती है। ऐसा होता है कि कोई भी मुख्यमंत्री जो है वो हमारा मुखिया है और हम सब लोगों की एक आशाएं रहती हैं। जैसे मान लीजिए कि मुख्यमंत्री आज जौनपुर में है, तो जौनपुर के लोग ये बिल्कुल टकटकी लगाए हुए हैं कि मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो क्या करने आ रहे हैं, किस चीज का उद्घाटन करेंगे, उससे हमें क्या मिलेगा। तो अपेक्षाएं जो होती हैं वो मुख्यमंत्री से होती हैं, सत्ता पक्ष से होती हैं, और उन पार्टियों से अपेक्षाएं होना ऑब्वियस है। नहीं होंगी तो जो अपोजिशन है, जो सत्ता में नहीं है, उससे अपेक्षा सवाल की हो सकती है। काम तो करना होगा जो सरकार है उसे ही। तो जो अच्छा, क्या ऐसा भी है कि सरकार ने कल जब काम गिनाया तो उसके बाद विपक्ष ने कहीं ना कहीं बौखलाहट भी दिखाई अपनी? नहीं नहीं, देखिए, एक एक सवाल उठाना विपक्ष का काम है। मैंने ये बात कही आपसे अभी भी, चाहे वो केंद्र सरकार हो, तो कांग्रेस अगर सवाल उठाती है तो वो जो है मोदी सरकार के कामकाज पे उठाती है। ये डेमोक्रेटिक राइट्स है, और अगर वो डेमोक्रेटिक राइट्स का हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो हमारा डेमोक्रेसी की जो एक रिचनेस है, जो उसकी मजबूती है, वो कमजोर होगी। तो हमेशा विपक्ष को सवाल करने होंगे। लेकिन बौखलाहट की यहां तक बात है, देखिए, अब तो इलेक्शन में जाना है, तो इलेक्शन में जाएंगे तो लोगों के जो अपोजिशन, लोगों से सवाल सत्ता से करेगा, लोगों तक अपनी मैसेज को पहुंचाएगा, जिससे लोग ये डिसीजन कर पाए कि उनको किधर जाना है। देखिए, मूड जो बनता है, जो जब इलेक्शन होता है, तो इलेक्शन में होता है कि पब्लिक का मूड जो है, वो जो बहसें चल रही होती हैं उन पे बहुत कुछ निर्धारित करता है कि कहाँ क्या कहा जा रहा है, कैसा सवाल उठाया जा रहा है। तो ये जो अपोजिशन है, इसे भी जाना है जनता के दरबार में, और माननीय मुख्यमंत्री जी जो जैसे साहिब साहब कह रहे हैं, उन्हें भी जाना है। तो दावे तो जो है मुख्यमंत्री को 4.5 साल के कामकाज के करने ही होंगे, और ये बताना होगा पब्लिक को कि हमने 4.5 साल में कितना जो है खड़ा किया है और कितना हम कागज पे हैं। तो ये तय जब होगा, जबकि आने वाला जो है 6 महीना बिल्कुल इलेक्शन का, अब तो सर 6 महीने हो जाएगा, और अभी तो 4.5 गिना गया है ना, अभी 4.5 के बाद जो है 1-1 महीने गिने जाएंगे। अच्छा, तो आपको सत्ता पक्ष की, जहां तक बीजेपी की बात है, निश्चित तौर पर कुछ बातें बहुत मोटी मोटी है। किसी भी प्रदेश को अगर आप चाहते हैं कि वहां इन्वेस्टमेंट आए, वो प्रदेश डेवलप हो, तो आपको कुछ बेसिक चीजें तो हमेशा देनी होगी, जिससे कि आपकी जो इमेज है, एक्चुअली होता क्या है
कि जो बिजनेस है वो अगर आप सेंसेक्स को देखें तो सेंसेक्स का मूवमेंट जो होता है वो रोज की खबरों पे और जो पॉलिटिकल मूवमेंट्स होते हैं इन पे हो जाता है। कई बार सेंसेक्स डाउन हो जाता है और कई बार सेंसेक्स बहुत अप होता है जबकि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर आते हैं और बहुत बड़े बड़े अनाउंसमेंट कर देते हैं। ठीक वही स्थिति है कि जो सरकार सत्ता में बैठी हुई जो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री से निश्चित तौर पर अपेक्षाएं हैं, तो पब्लिक ये हमेशा चाहती है कि सरकार जिसको हमने चुन के बिठाया है वो पिछले 4 साल या 5 साल या जो भी टेन्योर है उसका उसमें वो करके हमारे लिए कुछ दिखाए। अच्छा, कल जो काम गिनाए गए हैं सर, उसके बाद जनता पर कितना इफेक्ट पड़ेगा सरकार का? देखिए जनता, एक नितिन जी मैं कुछ पिछले अगर 2 दिन इलेक्शंस की बहुत सारा चीजों को बता दूं आपसे, जैसे मान लीजिए कि बहन जी की सरकार थी तो बहन जी ने क्या काम नहीं किया था? किया था ना। और मैं अगर मैं ये कहूं कि उनका लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा था, जाओ जैसे उनके उनके जो शासन काल में बहुत आप कह सकते हैं कि एक प्रकार का स्ट्रिक्ट लॉ एंड ऑर्डर रहता है, ये मानी हुई बात है। लेकिन इसके बावजूद भी जबकि फुल मेजोरिटी की सरकार थी, जब इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन होने के बाद का सिनेरियो ये हुआ कि नई सरकार सत्ता में आ गई, पूरा सीन बदल गया। अगर आप अखिलेश मतलब इसके पहले की सपा सरकार की बात कर लें तो सपा सरकार की भी जो स्थितियां रही हैं उनमें ऑलमोस्ट यही रहा है कि बीजेपी ने एक मोमेंटम क्रिएट किया कुछ चीजों को। आप देखिए जब आप राजनीति के क्षेत्र में हैं वो एक राजनीतिक दल की हैसियत से जब खड़े होते हैं तो आपको अपनी बात और दूसरों की बात को काटने का सिवाय और कोई चारा नहीं होता है। आपको ये प्रूफ करना होता है और अपनी बातों को रखना होता है जो लोगों को एक्सेप्टेबल, मतलब हो। बीजेपी को तो ये बिल्कुल ना लगे। नहीं नहीं, जो बीजेपी की जो स्थिति है वो ये है कि बीजेपी अभी तलवार की धार जो होती है ना अभी उसके ऊपर चल रही है और उसको एक 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 कदम रखने के पहले फूंक फूंक करके रखना होगा कि आने वाले 6 महीने में जो सरकार की इमेज है उसको वो देखिए। अब ये कहना कि हमने राम मंदिर बना लिया, कोई कह रहे कि साहब लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा रहा है, तो ये सब पब्लिक के मूड पे डिपेंड करेगा कि वो इसको कैसे जज करती है। तो उसको उसके गले में तो ये उतारना होगा। अगर सत्ता पक्ष चाहता है कि लोग हमारी बात को ऑनर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो उसको अपनी बातों को इस मजबूती के साथ रखना होगा कि लोग एक्सेप्ट करें कि हाँ कुछ हुआ है। ठीक है, ठीक है सर, मैं आता हूँ आपके पास। अश्विनी जी मैं आऊंगा आपके पास फिर से कि अब आगे की क्या रणनीति है, क्योंकि जिस तरह से अभी विजय दुबे ने भी बताया कि बीजेपी तलवार की नोक पर काम कर रही है और उसको आगे भी इसी तरह से चलना है, फूक फूक कर कदम रखना है, आगे की क्या रणनीति है? जनता के बीच जाएंगे आप लोग, अपने काम तो गिराने ही वाले हैं, इसके अलावा और क्या तैयारियां हैं? हम अपने काम को ही लेकर जा रहे हैं और हम हमारा नारा जो सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास है, इस नारे को लेकर जा रहे हैं। हमने पिछले चुनाव में नारा दिया था मेरा बूथ सबसे मजबूत, आज भी हम उसी कार्यक्रम को लेकर चल रहे हैं। हमने हर पूरे प्रदेश के 24 गर्भ जनता के लिए चतुर्दिक काम किया है। जैसे ही सरकार आई पहली कैबिनेट में हमने जो है किसानों का कर्ज माफ करने का काम किया था, किसानों के खाते में आज भी पैसे जो है समय पर जा रहे हैं। आज पूरे प्रदेश में कोरोना काल आया, कोरोना काल खंड में जो है आपने देखा सबको राशन किस तरीके से मिला, किस तरीके से पिछली सरकारों के द्वारा फर्जी राशन कार्ड बनवाए गए थे, फिर राशन कार्डों का सत्यापन हुआ तो सारी चीजें निकलकर सामने आई। आज सरकार के द्वारा अभ्युदय योजना चलाई जा रही है। हम देखिए अभी नंबर वन कहने की बात थी, इसमें से कोई सुधे नहीं है कि हमने सबसे ज्यादा टेस्ट किए, सबसे ज्यादा जो है टीके लगवाए, तो ये पूरे देश में क्योंकि आबादी हमारी सबसे ज्यादा है उसमें लगभग हम 1/4 को जो टीका लगने योग्य लोग हैं उनको हम टीका दे चुके हैं। पूरे प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ। आज शौचालय हमारे गांव गांव में बने हुए हैं, आज अब शौचालय हमने बनवा दिया। जिसके सवाल उठता है, सवाल अभी विजय जी ने कहा सवाल उठाना उठाना काम है विपक्ष का और सरकार को सुनना उसका जवाब देना काम है, सवाल उठाने चाहिए। मैं अभी कहता हूँ, मैं मानता हूँ, देखिए कुछ चीजें जो पिछली सरकारों ने किया है उसको मानता हूँ, उनके समय पर उनकी सरकारें थी, 5 साल रही हो 3 साल रही हो, विकास करना चाहिए चाहे कोई भी मुख्यमंत्री हो। कोई मुख्यमंत्री अपने घर से गेहूं और चावल बेचकर नहीं ले आता है पैसा, वो सभी तो जनता का ही पैसा है, यही का पैसा यही के विकास में लगाया जाता है, कोई नहीं ले आता है। और न लोकतंत्र में अस्थाई किसी की सरकार होती है, पिछले पीछे भी लोगों ने किया विकास, आज भी कर रहे हैं। जिस तरीके से 15,000 करोड़ की सड़क को हमने 11,000 करोड़ में बनाया, ये दुनिया पूरा प्रदेश नहीं पूरा देश जानता है।
कि हम लोगों ने काम करने का जो भी बीड़ा उठाया माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, पहले मुख्यमंत्री हैं जो लगभग पूरे प्रदेश के हर जिलों का दो दो बार दौरा कर चुके हैं, कोई मुख्यमंत्री अभी तक नहीं निकलता था। तो ये सब चीजें हमारे एजेंडे में रहेंगी। इस तरीके से कोरोना में माननीय मुख्यमंत्री जी हर तरह से गांव-गांव में जाकर और दौरा करके उन्होंने दवाई के लिए, पैसे के लिए, सब चीज के लिए लोगों को पूछा है। ये सब चीजें हम लेकर ठीक सर मैं आता हूँ अरविंद आपके पास आता हूँ, पहले अरुण के पास चलूंगा। अरुण, आप लोग क्या तैयारी आप लोगों की है, किस तरह से आप लोगों ने रणनीति तय करी हुई है? क्योंकि अभी जिस तरह से बताया जा रहा था कि छोटे छोटे दल बनाकर अपनी जो जमीन है वो ढूंढने की कोशिश करी जा रही है आप लोगों की तरफ से, जनता के बीच आप किन मुद्दों को लेकर जाने वाले हैं, और कल जिस तरह से विकास और जिस तरह से काम गिनाया गया है, इसका जवाब क्या है, क्या तैयारी की है आप लोगों ने? देखिए, अभी अश्वनी जी कह रहे थे कि हमने शौचालय बनाया, हमने आवास दिया, हमने राशन कार्ड बनवाया। मैं इनसे ही एक सवाल करता हूं और इनसे एक गांव चुनाव करने के लिए कहता हूं कि आप जो शौचालय बनाए हैं जिस गांव में, 90% शौचालय में ऊपरी और भूसा रखा जा रहा है, ऊपर छत नहीं बन पाया है और ना उसकी टंकी बन पाई है। अब वो खुद उसमें जाके नहीं कर सकते लैट्रिन, क्योंकि वो खराब है, किसी काम की नहीं है। आवाज की बात जहां की है, 40,000 रुपया बिना दिए आवाज किसी गरीब को नहीं मिला है, ये भी सच्चाई जनता के सामने है। पेंशन की बात जहां तक है, 1,000 बिना दिए पेंशन बन नहीं पाया। राशन कार्ड जहां तक सवाल है, आप जाएंगे जब ऑनलाइन कराने के लिए तो बिना 500 रुपया दिए वो ऑनलाइन कर नहीं सकता है, और बिना 1,000 दिए उसको राशन कार्ड बन नहीं सकता। अब सवाल ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार में पारदर्शिता पूरी अच्छे से रहा है। मैं इन्हीं से सवाल कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता जब 2017 में चुन रही थी तो आपने कहा था कि हम महंगाई कम करेंगे, क्या आप बताएंगे कि सरसों का तेल क्या रेट में बिक रहा है, दाल किस, रहर का दाल किस रेट में बिक रहा है, सिलेंडर किस भाव में बिक रहा आपको मिल रहा है, दूध किस रेट में मिल रहा है? आप सत्ता से बाहर होते हैं तो कहते हैं कि हम महंगाई कम करेंगे। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी स्पष्ट कह रही है कि अगर एक देश एक टैक्स की बात हो रही है लागू करते हैं अपने आप महंगाई, जब डीजल और पेट्रोल पर जीएसटी लगेगा तो महंगाई कम होगा, लेकिन ये लगेगा तो महंगाई कम होगा, लेकिन ये करना नहीं चाहते। और सभी विपक्षी पार्टियां जीएसटी का विरोध कर रही, क्यों कर रही है? क्योंकि इनको उद्योगपतियों का सहारा चाहिए, और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को उद्योगपतियों का सहारा नहीं चाहिए, हमें गरीबों का सहारा चाहिए। इस नाते हम महंगाई कम करने के मुद्दे पर जनता के बीच में जाना चाहते हैं। अच्छा, हम स्नातकोत्तर तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, आप मुद्दा सुन लीजिए, हम अनिवार्य शिक्षा के मुद्दे पर जनता के बीच में जाना चाहते हैं। हम 5 साल तक गरीबों को घरेलू बिजली का बिल माफ करने के नाम पर हम जनता के बीच में जाना चाहते हैं। हम उत्तर प्रदेश में निःशुल्क गरीबों का इलाज करने के मुद्दे पर जनता के बीच में जाने के लिए भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाए हैं और 10 पार्टियों को इकट्ठा किया। ये 10 पार्टियां क्या किसी के साथ भी जाएंगे या अकेले रहेंगे? बिल्कुल जाएंगे, बहुत बड़ी पार्टियों के साथ जाएंगे। उत्तर प्रदेश में बड़ी पार्टियों के साथ भागीदारी संकल्प मोर्चा का गठबंधन होगा जी। और इसका घोषणा 27 अक्टूबर को मऊ में लाखों की जमात इकट्ठा करके परिवर्तन का संकल्प लेकर के और बाबा जी को पुराने काम पर पहुंचाने का संकल्प लेकर के कि जहां से वो आए हैं कि पिछड़ों का वोट लिया, केशव प्रसाद मौर्य का वोट लिया, अनुप्रिया पटेल का वोट लिया, ओम प्रकाश राजभर का वोट लिया, केशव प्रसाद मौर्य नाराज है क्या? बैठा दिया नहीं, केशव प्रसाद मौर्य का नाम लिया आपने। आप देखिए बिल्कुल नाराज क्यों नहीं होंगे, बेचारे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए दर दर की अरे तो वो तो खुद मना कर रहे हैं इस बात का खुद विरोध कर रहे हैं भाई, वो कैसे कहेंगे? देखिए वो कैसे कह देंगे, क्योंकि राजनीति उनको वहां करनी है। अच्छा ये लोग उनको वहां नहीं करनी होती, खुल के बोल दिए होते। अच्छा ये लोग नहीं बना रहे, ये लोग सुन लीजिए ये लोग ये भी कहते हैं कि आप लोग की अपेक्षाएं ज्यादा हो रही थी, बढ़ रही थी, इसीलिए आप लोग ने पार्टी छोड़ दी, हम लोग ने जब पूरी नहीं करी आपके। अपेक्षा इस बात की थी कि समाज हित में हम सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करना चाहते थे और 50,000 पुलिस की भर्ती में उनको नौकरी दिलाना चाहते थे। हम तो चाहते थे कि उत्तर प्रदेश में जातिवार जनगणना हो जाए ताकि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी सरकार तय कर दे, किसी समाज के साथ भेदभाव ना हो, तो यही तो हमारी अपेक्षा थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इनको अछूत मानती है, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे मुसलमान हो, तो इनको अपा जप्पा गप्पा करने से फुर्सत मिलता ही नहीं है। अब 22 में सुनिए फुर्सत मिलता नहीं है। 22 के लिए क्या किसी से बातचीत हुई है इन मुद्दों पर कि भैया अगर इन पर राजी हो तो हम साथ में आ जाएंगे?
भाजपा से भी हो सकती है गठबंधन, अच्छा सपा से भी हो सकता है गठबंधन, मतलब अभी गुंजाइश बची हुई है गठबंधन, अभी गुंजाइश बची हो सकता है गठबंधन, क्यों नहीं हो सकता है बताइए, हो सकता है मुद्दों पर ये करें, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करें, ये घरेलू बिजली का बिल माफ करने का घोषणा करें, स्नातकोत्तर तक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देने की बात करें, गठबंधन हो सकता है जब जनता के हित में। देखिए देखिए कुछ कह रहे हैं, सरकार फैसला करे, अश्विनी जी कुछ कह रहे हैं, करने के लिए तैयार, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा जिसमें मिला दो उस जैसा, कि हम विकास नहीं करते, 100 मीटर की सड़क की बात कर रहे थे, मैं इनको बता दूं कि 90% आप जाकर के सीडीओ साहब से रिपोर्ट मंगा लीजिए, 7 विधायकों में अकेले ओम प्रकाश राजभर ऐसे विधायक हैं कि 100% विधायक निधि का खर्चा नाली खड़ंजा आवास पेंशन शौचालय बनाने में लगाया है, सड़क का नाम भी नहीं, बंजर पे जो बसे हुए थे उनको सड़क पहुंचाने का काम किया, जो सड़कें नहीं बन पाई उन सड़कों को बनाने का काम किया है, इंटरलॉकिंग बनाने का काम किया है, सीवर बनाने का काम किया है, एक भी पैसा कमीशन अगर हमारे घोटाला करने के नाम पर अगर दिख जाएगा तो उसी दिन आपके सामने इस्तीफा लिख करके थमा देंगे कि लीजिए विधायक का इस्तीफा, हम आप विधायक नहीं रहना चाहते। चलिए चलिए सर, मैं आता हूँ, मैं आता हूँ, 100% विकास का पैसा विकास में लगाया, मैं आता हूँ आपके 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 साथ ही अरविंद जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। अरविंद भाई, अभी अश्विनी जी जब कुछ बोल रहे थे तो आप बोल रहे थे कि मुझे कुछ बोलना है, क्या बोलना चाह रहे थे? नहीं नहीं, देखिए अश्विनी जी, मुझे लगता भाई है, लड़ाई वड़ाई मत करिएगा, नहीं, नहीं, लड़ाई कोई हो ही नहीं रही है। आदरणीय विजय दुबे जी को तो मैं धन्यवाद दूंगा, और मैं चैनल पे लाइव प्रशंसा करने जा रहा हूँ कि पहली बार कोई मैंने वरिष्ठ पत्रकार देखा है जो बिल्कुल निष्पक्ष, कोई लाग लपेट नहीं। मैंने तो आदरणीय विजय जी से बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे लग रहा है कि जो अश्विनी जी बातें कर रहे थे, सड़क की इन्होंने बात की कि जो सड़क 15 करोड़ में बनने जा रही थी वो 11 करोड़ में हमने बनाया, बहुत अच्छा किया। वो सड़क 7 करोड़ में भी बन सकती थी साहब, मैं भी सिविल इंजीनियर था और मुझे भी पता है कैसे बनती है कम पैसे में। जो सड़क 4 लेन की पास थी उस सड़क को आपने 2 लेन में परिवर्तन कर दिया, कटिंग फिलिंग का वो हाल किया कि सड़क चालू नहीं हुई, सड़क टूटने लगी, तो वो 7 करोड़ में भी आप बना लेते। मैं कहता हूँ कि जो लखनऊ से आगरा एक्सप्रेसवे गई है, आपको पता होगा नितिन जी, जब आप उस पर गए होंगे तो बगल में देखिए डिवाइडर लगे हुए हैं जालियों के, कि कोई उस पर जानवर न चढ़े, उसकी एक हाइट होती है। उसके अलावा लिंक रोड दिए गए हैं गांवों को कनेक्ट करने के लिए। मैं पूछना चाहता हूं कि पूर्वांचल एक्सप्रेस के कितने गांवों को कनेक्ट किया जा रहा है, चूंकि मुख्यमंत्री जी भी पूर्वांचल से हैं, अश्विनी शाही जी भी पूर्वांचल से हैं और मैं भी पूर्वांचल से हूं, क्या पूर्वांचल के लोग आजमगढ़ जाके चढ़ेंगे, मऊ में जाके चढ़ेंगे, या बीच में कनेक्टिविटी होगी गांवों को जोड़ने के लिए? पहली चीज, उस एक्सप्रेसवे में इन्होंने कोई भी लिंक रोड नहीं दिया है, कोई भी सर्विस रोड नहीं दिया है कि जो ले जाकर के किसी कट पे चढ़ा दे। पहली चीज तो आप 7 करोड़ में भी बना लेते, जो मेरा आकलन है, और टूटा भी इसीलिए चूंकि लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे देख लीजिए कि 4.5 सालों के बावजूद भी नहीं टूटी, और यहां तो पहले ही बरसात नहीं चल पाई। दूसरी चीज, मैं कहता हूं कि किसानों की लोग बात करते हैं, माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी जब सिंचाई मंत्री थे तो उन्होंने किसानों को सिंचाई के लिए जो नलकूप से पानी दी जाती थी, जितने ट्यूबवेल होते थे सबकी बिजली फ्री होती थी, सिंचाई के लिए जो जल, सिंचाई विभाग का जल जो होता है वो भी फ्री होता था। इन्होंने क्या किया, उर्वरक और बीज में किस तरीके की सब्सिडी मिलती थी सबको पता है, लेकिन इन्होंने क्या किया? मैं बार बार कह रहा हूं, आखिरकार क्यों नहीं अश्विनी जी 4 बस के नाम बता दे रहे हैं कि जिनको इन्होंने झंडी दिखाई है, 4 विद्यालय के नाम बता दें जिनको इन्होंने बनाया हो, 4 ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज बना बता दें जिसको इन्होंने यूनिवर्सिटी बना दिया हो, 4 महाविद्यालय के नाम बता दें। मैं 4 ही साल का तो इनसे पूछ रहा हूँ, और 4 ही पूछ रहा हूँ, 40 नहीं पूछ रहा हूँ, मैं केवल 4 सालों में 4 चीजें पूछ रहा हूँ, और ये बता दें कि कहीं भी इन्होंने कोई 4 ऐसे कार्य किए हों। मैं कहता हूं कि पिछली सरकार में हर जिलों को आपस में 4 लेन से कनेक्ट किया गया, क्या इन्होंने कहीं कुछ कनेक्ट किया, किसी तहसील को कनेक्ट किया, कहीं भी सड़क, कहीं भी पुल पुलिया बनाई? हाँ किया इन्होंने। क्या अभी जो विजय बहादुर जी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी घूम रहे हैं, सच है मुख्यमंत्री जी लगातार दौरा कर रहे हैं, कब, जब 6 महीने चुनाव के बचे हैं तब क्यों नहीं घूमेंगे? कारण भी उसका है, माननीय आदरणीय विजय जी,
ये जान लीजिए कि माननीय विधायक गणों ने इतनी नाराजगी है अपनी ही सरकार से, क्योंकि उनको पता है क्या हमारे यहाँ कोई प्रूफ है नहीं, बस इसी तरह बोल, देखिए प्रूफ तो यही है ना, देखिए प्रूफ प्रूफ यही है ना, जबकि माननीय विधायक जी थाने से गाड़ी नहीं छुड़ा सकते, माननीय विधायक जी अपने कार्यकर्ताओं का कोई कार्य नहीं कर सकते, तो क्या डीएम साहब और कप्तान साहब वोट मांगने जाएंगे? सच्चाई ये है कि या तो वोट माननीय मुख्यमंत्री जी मांगने जाएंगे, या तो वोट डीएम और कप्तान साहब मांगने जाएंगे। कोई भी जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में आज के डेट में नहीं जा रहा है, चूंकि उसको पता है कि हमने अपने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की है, उनकी नहीं कोई सुना है, और इसी का कारण है कि भारतीय जनता पार्टी में अंतर कला है, जिसको मुख्यमंत्री जी चाह रहे हैं कि हमारे नेतृत्व में चुनाव हो, हम लड़े। लेकिन सच्चाई जानते हैं नितिन जी क्या है? नहीं, नहीं। जितनी सीटें 2017 में लोग जीते हैं उत्तर प्रदेश के कुल विधानसभा में, उतनी ही सीटें इस बार ये लोग हारने जा रहे हैं। अच्छा, यही सच है। चलिए जवाब ले लेते हैं अश्विनी जी, ये सब जो बयानबाजियां ये लोग दे रहे हैं कर रहे हैं कि आप लोगों को कुछ नहीं होने वाला, अभी अरविंद बता रहे थे कि जितनी सीटें आपने जीती थी उतनी सीटें आप हारने भी वाले हैं, क्या है, क्या कहेंगे, क्या जवाब देंगे इन लोगों को, और इन लोगों की बौखलाहट बौखलाहट दिख रही है मुझे। 403 में से जितना इन्होंने जीता उतना ही हारेंगे जी। देखिए नितिन जी, अभी इन्होंने एक बात कहा कार्यकर्ताओं की नहीं सुने, विधायक गाड़ी नहीं छोड़ा सकता है। अंतर देखिए भारतीय जनता पार्टी और सपा की सरकार में, क्योंकि अभी सपा से अलग होकर भी सपा के गुण गा रहे हैं। अभी 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 आगरा एक्सप्रेसवे की बात कर रहे थे ये। नहीं क्यों, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, सपा के गुण गा रहे हैं सपा से अलग होने के बाद भी। जी की नीतियां थी कि इतने सड़कें बनी है, इनके यहाँ तो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर साहब केवल पिचकारी लगवा रहे हैं, राजधानी की सारी सड़कें टूटी पड़ी है। नितिन जी जिस सड़क का आप नाम बताइए मैं फोटो भेज दूंगा इनको। हाँ जी बताए सर, मैं जब जवाब दे रहा हूँ तो ये कहने से नहीं होगा कि मैं अभी पूछ दूं कि आपके पिछले सरकार में, एक सवाल मेरा भी उसके बाद जवाब भी है, पिछले सरकार में जो सफाई महोत्सव होता था उसका सरकारी बजट क्या था आप लोग बताएंगे, जो नाच होता था ये हम जरूर पूछेंगे ही। दूसरा मैं आता हूँ, जब इनके राष्ट्रीय इनके पूर्व अभी आज जिसके गुण गा रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा के, ये सपा के प्रवक्ता बनके जब वो बने थे राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो कितने थाने फूके गए थे याद है? ये है इनके कार्यकर्ता जवाहर यादव, इनके जहाँ डिप्टी एमपी की हत्या होती है वो है इनके, वो है इनका। दूसरा दूसरा सुन लीजिए, थानों में रेप और बलात्कार नहीं हुए, और रेप और बलात्कार के माननीय भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखने वाले माननीय विधायक को मुख्यमंत्री आवास में नहीं बैठाया गया है, ये आपके विकास है। उन्नाव के थानों में क्या होता है सबको पता है, आप देवरिया के सलीमपुर के बगल भटनी के थाने में क्या हुआ बता दीजिए। जवाब ले लीजिए सर, बताएं सर बताएं, मैं तो धैर्य से सुन रहा हूँ सबकी बातें। बिल्कुल आप बोलिए, कोई नहीं बोलेगा, कोई इंटरप्ट नहीं करेगा, बोलिए। क्योंकि काने को अगर काना कहा जाता है तो उसको बड़ा बुरा लगता है। चार ठो बस का नाम बताइए ना साहब, ये दिक्कत है अश्वनी जी, चार ठो बस का नाम बताइए, कौन सा बस है, कहाँ से कहाँ झंडा दिखाई है, चार एम्बुलेंस का बताएंगे आप? नहीं चार एम्बुलेंस अब आ गए अब्बा जान पप्पा जान पे, चार बस का नाम गिना दीजिए। बोल बोलने 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 जोड़ा गया है, अरे बोलने तो दीजिए अरविंद भाई, बोलने तो दीजिए जी, बताएं सर क्या कह रहे थे? नहीं बोल नहीं, हम पांच एक्सप्रेसवे की बात करते हैं कि हम पांच एक्सप्रेसवे दे रहे हैं, लोग एक एक्सप्रेसवे बनाया उसी में उसी का गुण गाते रहेंगे कई सौ साल। कौन सा एक्सप्रेसवे है आपका, वो आपके सामने आ जाएगा, कौन सा नाम सुनने में कौन सा कर रहा है ना, कागज पे है केवल, कागज पे क्या है, ब्यूरोक्रेसी के चक्कर। कल एक मेरे पत्रकार मित्र गए, उन्होंने अपने फेसबुक पर पोस्ट किया कि मैं लखनऊ से पहली बार गांव गया और पिछले पांच सालों में जितनी सड़कें बनी ना, केवल अगर आप उसको संरक्षित कर लिए होते तो आपका काम चल गया होता, लेकिन आपके पास तो उसका भी बजट घोटालों में चला गया। बोलने दीजिए, आपसे कहां में चला गया, जवाब तो ले लीजिए, वो बोल रहे हैं आज लखनऊ के लोग गड्ढों में चल रहे हैं। अरे सुन तो लीजिए अरविंद भाई, हाँ बताइए सर, समय कम है थोड़ा जल्दी बताइए अश्विनी जी भाई, जल्द मैं कह रहा हूँ बीच में कह रहा हूँ, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे,
इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने रिवर फ्रंट बनवाया, रिवर फ्रंट में कितने घोटाले हुए, कितने लोगों पर एफआईआर है ये जान रहे हैं, जिसमें शिवपाल सिंह यादव इसी सारी घोटाले में है। आप जान घोटाला इन लोगों ने किया, घोटाले की बात नहीं करेंगे। आज हम बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे लगभग 80% तैयार है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे अगले महीने उद्घाटन होने जा रहा है, वो नहीं दिखेगा, ये नकारेंगे। शौचालयों का भी उद्घाटन। चलिए चलिए, आप लोग डिबेट को इस तरह से अगर करेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं बचता है, जनता के मुद्दे जो है उन पर बात नहीं हो पा रही है। माकरी में विजय दुबे जी आपके पास जान पप्पा ना, तो है ये इंटरप्ट जो आप लोग कर रहे हैं, आप जान क्या कार सेवकों के झूठ पे तर्जु प्रदान करने वाले मुलायम सिंह यादव कैंसे इसमें आकर बोलते हैं कि मैंने इतने हिंदुओं को मरवा दिया, तो पप्पा जान नहीं हो? नहीं नहीं, इतनी जो की हिमाकत कीजिए आप लोग, का तुष्टी चरण की राजनीति करिए और कुछ आप लोगों को नाम पे ऊँट मांगिए। इस बार आपकी जनता फिर आपको आपकी औकात दिखाएगी। और मैं बात कर रहा हूँ, आपको टॉप कैंडिडेट मिल जाए यही बहुत बड़ी बात है। समाजवादी पार्टी के गुड़ गा रहे हैं, जहाँ से धक्के मार के निकाल दिए गए, आप धक्के मार के शिवपाल सिंह यादव निकाले गए और आज आप उसी के गुड़ गा रहे हैं। क्या बात है। मैं अंत में विजय दुबे जी के पास चलूंगा, समय बहुत कम है। विजय जी, कम शब्दों में बताइए कि अब आगे की क्या रणनीति विपक्षी पार्टियों की और बीजेपी की होनी चाहिए जनता के मुद्दों के लिए। देखिए नितिन, जैसा है कि आप आखिरी 8 महीना 9 महीना कह लीजिए, इलेक्शन का मार्च के बाद के आसपास जो मई में इलेक्शन होने हैं, अब बचा हुआ समय बहुत कम है। बीजेपी ने जब पिछली इलेक्शन लड़ा था तो बहुत सारे वादे किए थे, अब उन वादों पर सवाल जरूर खड़े किए जाएंगे। असल में हुआ क्या, देखिए एक बहुत बड़ा शुरुआत बहुत अच्छी की थी बीजेपी ने कि किसानों का ये कहा था कि हम 1 लाख तक का कर्ज माफ करेंगे, उन्होंने माफ किया। लेकिन जब सरकार धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी तब उन्हीं किसानों के मुद्दों पर लगातार बीजेपी घिरती नजर आ रही है। अच्छा। अब वो चाहे वेस्टर्न यूपी हो या कहीं, तो ये जो सवाल हैं, जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उसको सरकार को आंसर करना होगा। और जब तक आप आंसर नहीं करेंगे या पक्ष परेशान करता रहे, चाहे वो गन्ने की बात, मूल्यों की बात की है, चाहे फैक्ट्रियों किसी, मतलब ये सारे जो क्वेश्चंस उठ रहे हैं आज की डेट में, मैंने कहा बीजेपी ने जो कमिटमेंट किए थे, मुझे याद है कि सबसे पहली जो कैबिनेट हुई थी उसमें बीजेपी ने किसानों का 1 लाख का कर्जा पहली कैबिनेट में माफ कर दिया था, तो वो एक बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन आगे चलते चलते धीरे धीरे जो अब जो स्थितियां पैदा हुई, फिर दोबारा किसान अगर खड़े हुए हैं तो उनको एड्रेस करके क्लियर करना होगा। और ये देखिए, मेजर वोटर जो है वो गांव से आता है जी। अगर आपको लगता है कि शहरी वोटर से काम चल जाएगा तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी पॉपुलेशन गांव में रहती है, इसका कंसर्न खेती से, कृषि से। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस गंभीर मुद्दे पर जुड़ने के लिए और अपनी अपनी बात रखने के लिए। तो साथियों, उत्तर प्रदेश में चुनाव करीब है और चुनाव से पहले इस तरह की जो बयानबाजियां हैं वो शुरू हो गई हैं, अपने अपने काम गिना रही है, चाहे वो विपक्ष की पार्टी की बात कर लें या फिर मौजूदा सत्ता दलों की बात कर लें। लगातार इन लोगों का प्रयास यही है कि कुछ भी करके किसी भी तरह से इस बार जनता का जो वोट है वो अपने पाले में खींचा जाए। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जो जन सरोकार के मुद्दे हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर कहीं ना कहीं अभी भी सब के सब मौन हैं। सवाल एक दूसरे से पूछे जा रहे हैं विकास को लेकर, सवाल एक दूसरे से पूछे जा रहे हैं अस्पताल को लेकर, लेकिन जो जनता के मुद्दे हैं उन जनता के मुद्दों के बीच में जनता के बीच कब कौन जाएगा, इस पर अभी भी प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। फिलहाल आज की डिबेट में इतना ही। मधुजनमति, नमस्कार।